आज किसी के दिल में खौफ खुदा नहीं। अगर आपके दिल में खौफ खुदा नहीं तो आप गुनाह करते हो, इस वजह से आपके आपका दिल जो है वो सख्त हो चुका है, पत्थर पत्थर बन चुका है, संग बन चुका है, जिसकी वजह सिर्फ खौफ खुदा दिल से निकलना, उसके ना होने की वजह से गुनाह में मुलविस होना, गुनाह करना, गलत कामों में दखल करना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। खौफ खुदा दिल में आएगा कहां से? आएगा तो थप आएगा जब आप मुतालिब रहे, जब आप तलब करें उसकी, तो खौफ खुदा आपके दिल में आ जाएगा। और जब खौफ खुदा तुम्हारे दिल में आ गया तो समझ लो कि आपकी जिंदगी बदल गई। ये जिंदगी बदलना ऐसे आसान नहीं है जब तक खौफ खुदा ना हो। अल ईमानो बैन अल खौफ व रजा, के ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान, इसको ईमान कहा जाता है जब आपके दिल में खौफ खुदा भी हो और उम्मीद भी हो अल्लाह से, तब तुम्हारा ईमान मजबूत हो चुका है, तब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी जब खौफ खुदा दिल में आ जाएगा। ये दुनिया की जिंदगी बहुत ही मुख्तसर जिंदगी है, कभी ये इंसान ये सोचता नहीं कि मुझे अल्लाह देख रहा है, हालांकि अल्लाह ताला देखता है, बसीर है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, वो तो इंसानों को देखता है। तो जब इंसान के दिल में ये खौफ आ जाए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, वो गुनाह नहीं करेगा, वो गलत वीडियोस नहीं देखेगा, वो गलत नहीं सुनेगा, वो लड़कियों को नहीं देखेगा, वो कभी किसी के गली में नहीं जाएगा, ऐसे किसी के देखने का इंतजार नहीं करेगा, वो सिर्फ यही चाहेगा कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन सिर्फ जब अल्लाह राजी हो तब। तो ये फिक्र की बात है कि ईमान पे गौर किया जाए, खौफ रखा जाए।